हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का, जो लोग लैंग्वेज पेपर रखे हुए हैं। दोस्तों, हिंदी का चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के छात्र हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये मॉडल सेट 2 है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला मॉडल सेट मैंने अपलोड कर दिया था, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह के मॉडल सेट आप लोग को कम से कम 20 मॉडल सेट दूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जो भी छात्र क्लास 12 के हैं, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे ठीक है मॉडल सेट कम से कम 20 से 25 हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जितना आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा हम मॉडल सेट जो है दे सके एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी सारी जानकारी आप लोग को प्राप्त होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह का जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, तो आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पर सर्च कीजिए दोस्तों starkstudypoint.com या फिर starkstudy.com, ठीक है, ये दोनों वेबसाइट पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। और साथ में हमारा मॉडल मतलब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर स्टार्क स्टडी पॉइंट ऐप, तो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट बनाने से ये फायदा होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जितने भी चैप्टर है गद खंड या पद खंड सभी का क्वेश्चन एक साथ हो जाता है, और 30 जो क्वेश्चन है आप लोगों का व्याकरण से वो भी एक ही मॉडल सेट में यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के मॉडल सेट को मिस नहीं कीजिएगा एक भी मॉडल सेट को, ताकि आप लोग को हर क्वेश्चन जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अभी तक पूछे गए सब आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों, ये आपका भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक का ए। दो नंबर है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। क्या क्वेश्चन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है उसने कहा था चैप्टर। जितने भी आप लोगों के कहानी है दोस्तों पदखंड गदखंड में कविता, उसके लेखक का नाम जरूर याद रखिए, 5 से 6 नंबर आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आप वेबसाइट पे भी जाके तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे सभी राइटर्स का नाम। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर संपूर्ण क्रांति लाया गया था दोस्तों, और यहाँ पर छात्र आंदोलन किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पर 3 का डी, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में। ठीक है, 4 नंबर है दोस्तों कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक जो है चैप्टर, उस निबंध के लेखक जो है यहाँ पे कौन है, तो वो बताना है आप लोगों को, तो ये अज्ञेय हो जाएगा वात्स्यायन अज्ञेय। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है दोस्तों कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जो आप लोगों के चैप्टर के अनुसार है दोस्तों, तो यहाँ पे बुक के अनुसार ठीक है, तो पुंडलिक जी जो रहते हैं वो एक शिक्षक रहते हैं दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर है कि तारों के करे किस चीज़ के बने होते हैं। तो बने हैं मतलब तारों के करे, ठीक है, किस चीज़ के बने हैं, तो ये बने होते हैं दोस्तों आप लोगों को मोती के। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर है दोस्तों कि परगित और समाज के लेखक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसके लेखक का नाम बताना है परगित और समाज। इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह, ठीक है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया ये परगित और समाज। 8 नंबर है दोस्तों कि झूठन के हेडमास्टर का क्या नाम रहता है। तो झूठन जो चैप्टर है दोस्तों, उसके हेडमास्टर का जो नाम रहता है वो रहता है दोस्तों कालीराम, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कालीराम 8 का बी। 9 नंबर है दोस्तों कि त्रिच के लेखक कौन है। तो त्रिच जो चैप्टर है उसके लेखक है उदय प्रकाश, तो उसे उत्तर यहाँ पे 9 का सी। 10 नंबर है दोस्तों कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते। क्या क्वेश्चन है कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं, प्रयास न करने पर, गलत कार्य करने पर, खुश होने पर, भयभीत होने पर, आप कब जो है मेधावी नहीं हो सकते दोस्तों, तो ये भयभीत होने पर, ठीक है, अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर तो आप कभी उसमें मतलब सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो, मेधावी नहीं हो सकते हो, मेधावी नहीं बन सकते हो। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का डी। 11 दोस्तों कि करवक के कवि कौन है। तो करवक जो चैप्टर है उसके कवि का नाम बताना है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका सही उत्तर यहाँ पे 11 का दोस्तों, राइट आंसर आपका तो यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी है। तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का सी, करवक के जो कवि का राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी। 12 नंबर है कि सूरदास को किस चीज़ की भूख रहती है दोस्तों। तो प्रेम की, कृष्ण के झूठन की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को जो है दोस्तों यहाँ पे कृष्ण के झूठन की, जो कृष्ण के लीन में रहते, कृष्ण के भक्ति में सूरदास, तो उसे उत्तर यहाँ पे 12 का बी। 13 नंबर है कि तुलसी ने
प्रथम पद में किसकी स्तुति की है दोस्तों? तो तुलसीदास जी ने प्रथम पद में जो है किसकी स्तुति की है, तो उस भगवान का नाम यहाँ पे सीता जी की हो जाएगा दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का सी, सीता जी की प्रथम पद में स्तुति की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। 14 नंबर है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जो लेखक थे दोस्तों वो थे आपका यहाँ पे तुलसीदास जी के समकालीन। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा दोस्तों, नाभादास जो छपई के लेखक है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि कवित के कवि कौन है दोस्तों? तो कवित के जो कवि है वो हो जाएगा दोस्तों आपका भूषण। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का ए। 16 नंबर है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जो जादू रहता है दोस्तों वो टूट जाता है आपका सूर्योदय होने पर। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का बी याद रखेगा, ये सब आप लोग के बुक के अनुसार है क्वेश्चन। फिर 17 नंबर आता है कि मुक्ति बोध की कविता है, तो मुक्ति बोध की जो कविता है दोस्तों तो वो आपका हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का बी। 18 नंबर है कि हर घरना कौन है? तो हर घरना जो रहता है दोस्तों ये एक रहता है, एक आम आदमी रहता है उस चैप्टर में, उस कहानी में। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का सी। 19 है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है दोस्तों जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा, उनमें कविता में लोहा जो है प्रतीक माना गया है किसका? तो ये क्रम का माना गया है, काम का। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का सी। 20 नंबर है कि हार जीत कैसी कविता है? हार जीत जो चैप्टर है दोस्तों वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, ये किस तरह का कविता थी? गद्य कविता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ए। 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 20 तक वो सभी आप लोग के बुक्स थे, 21 से आप लोगों को 50 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के ग्रामर सेक्शन मतलब व्याकरण से। आप लोगों को हर सेट में मैं आप लोगों को इस तरह का बताते रहूँगा दोस्तों कितने क्वेश्चन आप लोग के बुक्स। आत्मा का संधि विच्छेद क्या है? तो पुण्य आत्मा का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, तो पुण्य जोर आत्मा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का डी, पुण्य जोर आत्मा नहीं आत्मा हो जाएगा, पुण्य आत्मा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का डी। 22 नंबर है दोस्तों कि वार्तालाप का सही क्या है? दोस्तों वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वर्त जोर आलाप, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्ता जोर आलाप वार्तालाप, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का बी। डी मत मारना दोस्तों, ये डी गलत है, वार्ता जोर आलाप, ठीक है, वार्तालाप। फिर आता है 24 नंबर दोस्तों, सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्वोच्च का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सर्व जोर उच्च सर्वोच्च, ठीक है, सर्व जोर उच्च सर्वोच्च, न कि सर्वो जोर च, सर्वो जोर उच्च ये नहीं, सर्व जोर उच्च सर्वोच्च हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर है दोस्तों कि मुनीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, 23 यहाँ पे रहा था, ठीक है, ये 24 सही है। तो मुनीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मुनि जोर ईश्वर हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे राइट आंसर आपका 24 का सी हो जाएगा, मुनि जोर ईश्वर, मुनीश्वर, ठीक है। देखिए ईश्वर ये सही है, यहाँ पे अर्थ इसका लिखा हुआ और बाकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। 25 है दोस्तों कि मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहजोर हर हो जाएगा, मनोहर, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे 25 का ए हो जाएगा, मनोहजोर हर मनोहर। 26 है कि औघट में कौन सा उपसर्ग है? तो औघट में जो उपसर्ग है दोस्तों ये आप लोग को बताना है, तो औ हो जाएगा जो शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। 27 बदबू में कौन सा उपसर्ग है? बदबू, तो बदबू में जो उपसर्ग है दोस्तों जो शुरू में लगता है तो ये हो जाएगा बद, ठीक है, बदबू में बद उपसर्ग है। 28 है कि भगोरा में कौन सा है दोस्तों कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो समझौता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29 का औता प्रत्यय, ठीक है, 29 का सी। 30 नंबर है दोस्तों कि परोक्ष में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पे समास पूछा जा रहा है दोस्तों, तो परोक्ष में जो समास पूछा जा रहा है ये आपका हो जाएगा अव्यभिभाव समास। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का ए। 31 है दोस्तों कि भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, तो भरपेट में जो समास है दोस्तों वो भी आपका अव्यभिभाव समास है। 32 है दोस्तों कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में, तो त्रि लगा हुआ है दोस्तों, तो त्रिभुवन में ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। जितने भी यहाँ पे जो अंक से संबंधित हो दोस्तों, जैसे चौराहा चतुर्भुज इस तरह से, ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 23 नंबर है कि भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन हो जाएगा ये द्वंद्व समास, माता पिता भाई बहन दिन रात सुबह शाम ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है।
चौथी है कि गंगा जल में कौन सा समास है, तो गंगा जल में जो समास अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का बी। 35 है दोस्तों कि कृपा का विलोम क्या होता है, तो कृपा का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा आपका कोप, ठीक है, इसका उल्टा कोप, दया, आशीर्वाद, करुणा, ये सभी कृपा का समानार्थी शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। 36 नंबर है दोस्तों बोला जाए कि करुण का विलोम होगा, करुण, तो करुण का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36 का हो जाएगा निष्ठुर। देखिए दया, क्षमा, कृपा, ये भी आप लोगों का करुणा का ही पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, लेकिन निष्ठुर जो है ये विलोम विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे उल्टा 37 का सी। 38 है घोष का विलोम होता है, तो घोष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अघोष, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का डी। 39 है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन का जो विलोम हो जाएगा नवीन, प्राचीन, आधुनिक, अधुनातन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, ये सभी नवीन, आधुनिक, अधुनातन, ये सभी एक ही जैसा शब्द है। 40 है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पक्षी का यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों खग, पशु, नव, आकाश, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का सही उत्तर एक, खग, ये पर्यायवाची शब्द है पक्षी का। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, शारदा हो जाएगा दोस्तों, माँ सरस्वती का यहाँ पे माँ शारदे, सही उत्तर 41 का बी। 42 है कि स्मरण का विशेषण क्या हो जाएगा, तो स्मरणीय हो जाता है विशेषण, देखिए 2 से 3 क्वेश्चन विशेषण का पूछा जाएगा। संपादक का हो जाएगा संपादकीय, संस्कृत का हो जाएगा सांस्कृतिक, तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा, 43 का भी बी हो जाएगा। फिर आता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण होते हैं दोस्तों आप लोगों को कितने प्रकार, 2, 3, 4, 10, तो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 46 है कि संधि में क्या होता है, विग्रह, विच्छेद, विग्रह, विच्छेद, विलोम या फिर कोई नहीं, तो संधि में होता है दोस्तों विच्छेद, तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का बी। 47 है दोस्तों कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गुदरी का जो लाल हो जाता है दोस्तों वो आपका निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, क्या है, निर्धन परिवार में, गरीब परिवार में एक गुणी का जन्म होना गुदरी का लाल का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए तले अंधेरा क्या है, दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है, तो दिए तले अंधेरा मुहावरे का जो स्वयं न देखना, ठीक है, अपनी कमी को स्वयं न देखना, इस तरह का यहाँ पे दिल तले, दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। फिर आता है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो लोहे का अगर चना चबा रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है, लोहे के चने नहीं होते, लोहा कहीं चबाया जाता है, इनमें से कोई नहीं, ये सभी देखिए बहुत सारे छात्र अगर मुहावरे का अर्थ नहीं जानते होंगे तो ये सब मार देंगे कि लोहा का चना ही नहीं होता है, लोहा कहीं चबा ही नहीं जाता है, लेकिन इसका सही अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, ठीक है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आग में घी डालना, तो आग में जो अगर घी डालते हैं दोस्तों तो यहाँ पे खूब लकड़ी जलती है, क्रोध, किसी के क्रोध को भड़काना, ठंडा पड़ना, देखिए ऑप्शन से ही लग रहा है कि अगर किसी के आग में अगर घी डाल देते हैं, आग पहले से लगा हुआ है, अगर उसमें अगर और घी डाल देंगे तो और तेज हो जाएगा, इसका मतलब किसी के क्रोध तो है ही और उसको भड़का देना, मतलब टेंशन है और उसको टेंशन में डाल देना दोस्तों, यही आग में घी डालने का अर्थ होता है, तो सही उत्तर है 50 का भी। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, अब तो 60 क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों, तो मैं आप लोग को 60 क्वेश्चन वाला भी बताऊँगा, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट का क्वेश्चन है, कम से कम मैं आप लोग को 25 मॉडल सेट दूंगा इसी तरह का, ये दूसरा मॉडल सेट है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा हर एक सेट का, तो देखते रहिए इस चैनल को और वेबसाइट पर विजिट कीजिए दोस्तों और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इस चैनल के मदद से आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा का आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो अधिकतर छात्र बना ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप को जरूर डाउनलोड करना।